एक बोतल चलाइए इनको, इसमें भी खून आया हुआ है, ये देखें सर। डॉक्टर क्यों नहीं अटेंड करे, चलो ले चलो नीचे, मैं देखता हूँ कौन डॉक्टर अटेंड नहीं कर सकता, ले चलो। सर उधर से उनने भेजा है, ऊपर जाओ आप, ब्लड बैंक में जाओ, स्कैन में लाइट है, स्कैन करो आप, फलान स्कैन करो। जी स्कैन का जो मेरे डॉक्टर रेगुलर बिजी होती है ना, उसी पे सीधी स्कैन होता है, ये ना जमसेट का होता है ना सर। एक मेडिकल कॉलेज है और इसमें इमरजेंसी लाइट नहीं, डीसी ऑफिस में इमरजेंसी लाइट, एसएसपी ऑफिस में इमरजेंसी लाइट, एक मिनट सर, इमरजेंसी लाइट बंद है नहीं सर, है लेकिन जीएमसी में इमरजेंसी लाइट नहीं है, किसी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, किसी के बच्चे इनके भरोसे पर है और इनकी जिंदगी दांव पर लगी, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं अमर, ये क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज में बिजली नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है यहाँ पर। और यहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट साहब से बात करें की ना सर, इतने लोग हैं जो इनके वारसी है यहाँ पर, इन्होंने तो सर पीट दिया यहाँ पर, लेकिन अगर इनके स्पेशल लाइन तो इधर है लेकिन जन सेट भी है, लेकिन जन सेट पे ये नहीं हो सकता सर, 3 बजे से लेके अभी 10 बज रहे हैं सर, 3 बजे इनको यहाँ पर लाया है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जन सेट पे ये चलेगा नहीं, मैंने कहा कोई सोल्यूशन बताओ। जब 3 बजे जब लाइट तो अभी गई है सर, 8 बजे 8 बजे लाइट, देखो जब आए उसके बाद एक्सरे के लिए बोला गया, एक्सरे करवाई, मेडिकल स्टूडेंट साहब है, एमएस साहब से बात हुई, फिर किसी के नंबर से मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को फोन करो धूमपर, वो अगर आधा घंटे के लिए लाइट छोड़ते हैं तो हम आगे करेंगे कार्रवाई। अब उनका मोबाइल पे भी ट्राई किया, सोचा चलो डॉक्टर से बात करते हैं, चलो देख सकते हैं किस तरीके से एक हंगामा जो है जीएमसी डोडा के अंदर जो है बना था, और देख सकते हैं कि पूरा रोड जो है ब्लॉक कर दिया था जीएमसी डोडा का, और पेशेंट आप देख सकते हैं कि बाहर जो है निकाले थे, क्योंकि जिस तरीके से जो है धूमपर के अंदर जो है कहीं ना कहीं लाइट की कटौती की वजह से वहाँ की या पूरे चनाब वैली की जो है कहीं ना कहीं जो है लाइट जो है रेफर हुई है, उसकी वजह से सफ़र होने की वजह से देख सकते हैं कि ये जो है जी ये देख सकते हैं कि लोग भी जो है यहाँ पर हंगामा कर रहे थे और सभी जो आक्रोश में थे, और सभी ने जो है ये देख सकते हैं कि ये दो पेशेंट आप देख पा रहे होंगे, एक्सीडेंटल केस था, और एक्सीडेंटल केस जो है आया था जीएमसी में, और जीएमसी के अंदर जो है यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट इनका नहीं हो रहा था, एक छोटी छोटी बॉटल जो है लगा दी गई थी, और उसके बाद जो है कंटिन्यू यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट ये सभी लोग कर रहे थे। ये देख सकते हैं कि इतने सारे लोग जो है, क्या क्या नाम है आपका? नरेश सिंह। क्या क्या पूरा मामला क्या था? मामला ये है कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद 3 पेशेंट यहाँ पे लाए गए, एक ड्राइवर था, 2 लेबर थी, ठीक है। एक्सीडेंट तो अच्छा हुआ जिसमें ड्राइवर को रेफर कर दिया गया जम्मू के लिए, ठीक है। उसके बाद दो पेशेंट सीरियस है, वो सीरियस है बिल्कुल सही, इसलिए तो जम्मू रेफर किया। उसके बाद जब इनका एक्सरे हुआ तो एक्सरे करवा ली हमने, बाद में बोलते हैं एक्सरे की फीस जमा करा दो, तो गए हम एक्सरे की फीस जमा कराने, फिर सडनली हमें ध्यान आया कि गोल्डन कार्ड का कोई सीन है तो वो भी हो सकता है, हमने गोल्डन कार्ड मंगाया। अब बोल रहे हैं गोल्डन कार्ड इस वक्त नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, चलो खैर उसको मारो गोली, एक्सरे हमने ले ली जैसे तैसे, ठीक है। उसके बाद ये बोलते जाओ जाओ सीटी स्कैन कराओ। अच्छा 8 बजे के हम आए हैं सीटी स्कैन करने, और जैसे ही आए हैं कुछ देर बाद लाइट चली गई, ठीक है। नहीं नहीं, सीटी स्कैन करने जब आए तो वो बोलते एक फॉर्म ले लो, ये फॉर्म भरवा के लाओ डॉक्टर से। फॉर्म भरवाने गए जब तक, तब तक लाइट गई। फीस वगैरह भी जो सबमिट करनी थी वो भी कर दी? नहीं, फीस अभी नहीं करी हमने कोई भी फिलहाल। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसने बोला फॉर्म भरो, फॉर्म भरने हमने भेज दिया अपना एक पर्सन, वो फॉर्म भरने चले गया, मैं पेशेंट के साथ था, एक वाले पेशेंट के साथ, उसका ग्लूकोज वगैरह पकड़ के, क्योंकि यहाँ तो पकड़ना बाद में, ये बोले लाइट नहीं, आप एक काम करो नीचे ही चले जाओ, तो फिर और आना। हमने बोला यार बार बार पेशेंट कौन लगते हैं आपके? पेशेंट वैसे मेरे तो कुछ नहीं लगते हैं, बट मेरी मौसी हैं तो उनके देवर समझ लो, क्योंकि जो मिसैया जी हैं उनके चाचा के लड़के हैं। तो उसमें क्या है, अब जैसे हमने पेशेंट को लाया यहाँ पे, जैसे उसके लिए सीटी स्कैन के लिए, तो सीटी स्कैन वाले फॉर्म पकड़ाया, फॉर्म भरने के लिए गए, जब तक प्रोसेस हो रहा है तब तक हम, मैं पेशेंट को लेके बाहर खड़ा हूँ, बाहर मतलब सीटी स्कैन के बाहर, उस रूम के बाहर, तो सेंटर्स के बाहर, हाँ नहीं ब्लड ग्रुप अंदर ही जाके, बट उसके रूम के बाहर जहाँ पे सीटी स्कैन होना था। तो उन्होंने कहा मुझे कि अभी लाइट चली गई, अब जैसे ही अब फॉर्म वॉर्म आने वाला था अभी नहीं आया, बोलते लाइट चली गई, अब जब लाइट आएगी तब ले आना, अब ले जाओ वापस। कहाँ वापस? नीचे हॉस्पिटल में। यार भाई ऊपर नीचे देख लो पहले रूट क्या है, खड्डे में अकेला था, लाइट जाती बार मुझे, हाँ लाइट चल गई, जाती बार मुझे दूसरे बंदे ने हेल्प करी, तो जैसे तैसे हमने ऊपर पहुंचा दिया। अब बोल रहे वापस नीचे ले जाओ, जब लाइट आएगी तब आना। अब बंदे का सीटी स्कैन होना है, एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है उसकी ब्रेन इंजरी है, ठीक है, सीटी स्कैन होगा नहीं, अगर लाइट आने तक बंदा मर जाता है कौन जिम्मेवार है? एक सोचने वाली बात है ना, अगर लाइट आने तक बंदा मर जाता है तो जिम्मेवार कौन है, हॉस्पिटल या वो बंदा या फिर जिसका वो काम कर रहा था?
कहीं कहीं लाइट की वजह से, लाइट जो कटौती हुई उसकी, लाइट ही है। लेकिन अब देखो लाइट नहीं है, मेडिकल कॉलेज है भाई, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट क्लिनिक ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लाइट नहीं तो कोई बात, पेशेंट को भेज दो कहीं और, वहाँ हो जाएगा। पीछे से लाइन कट है, बोलते हैं जनरेटर पे हमारी मशीनें नहीं चलेगी। भाई एक जनरेटर पे नहीं चलेगी, दो जनरेटर यहाँ पे कुछ करो जुगाड़। इनको पता होना चाहिए कि फलानी मशीन ज्यादा पावर खाती है, वो डायरेक्ट लाइट से ही चलती है, तो उस लाइट की जितनी पावर वाला सोर्स इनके पास होना चाहिए। ये घटसू में एक्सीडेंट हुआ था, ये रिसेंटली ये सुईगाड़ी वाली साइड, वहाँ पे कहीं कोई काम चल रहा है, दो लेबर थे एक ड्राइवर था, तीनों का एट ए टाइम एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर सीरियस था, उसको रेफर कर दिया जम्मू के लिए, और दो ये लेबर जो है यहाँ पे ये रखे गए, अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरा ट्रीटमेंट इन द सेंस ग्लूकोज एक एक लगा दोनों को, उसके बाद ये एक्सरे के लिए बोला। एक्सरे जैसे ही करवाए तो एक्सरे के बाद बोला जाओ जी सिटी स्कैन कराओ। सिटी स्कैन कराने ऊपर आ गए तो कुछ देर बाद लाइट चली गई। अब लाइट चली गई है तो वो जिम्मेवारी किसकी, और अगर लाइट के आने तक, अब वो खैर हमने बड़ा जीएमसी है और उसमें इमरजेंसी लाइट नहीं है, ऐसे कोई लाइट कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए। अब जो मशीन इनको, क्या आज इनको पता चला कि ये मशीन इस पे जनरेटर पे नहीं चलती, ये मैन लाइट पे चलता है, तो लाइट का इश्यू तो होता ही रहता है। हाँ लाइट का इश्यू तो होता ही रहता है, ऐसा कोई बात नहीं कि लाइट का इश्यू नहीं होगा। तो इनको पहले ही सोचना चाहिए था कि ऐसी कोई फैसिलिटी रखी जाए, अगर एक जनरेटर से ना चले दो रखो, तीन रखो, कुछ वैसा सोर्स करो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो गलती किसकी, हमारी या उन पेशेंट्स की जो यहाँ पे आते हैं। तो देख सकते हैं आपकी मामला जो है वो जो है जीएमसी डोडा में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर यूथ भी है, यूथ से भी बात करेंगे कि आखिरकार जो है जीएमसी डोडा के हाल बहुत सारे ऐसे बहुत बार खबरों में आते हैं, लेकिन आज जो है देखने को हमें मिला कि जीएमसी डोडा के बाहर जो है हंगामा हुआ, सभी लोग खड़े हुए, पेशेंट जो है बाहर थे, ट्रीटमेंट उनका जो है होना हॉस्पिटल के अंदर चाहिए था, लेकिन वो अफसोस की बात यह है और शर्म की भी बात यह है कि इतनी रात गए जो है उनको बाहर जो है निकालना पड़ा बिना लाइट, जो है लाइट कहीं पर भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है अभी, और हम भी बड़ी मुश्किल से जो है लाइव करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर अहमद है जी। मैं भी यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे पहले आया हूँ। आपने खुद भी देखा कि जो एक्सीडेंट हुआ था मेलर का, मेरे हिसाब से उन्होंने कहा कि जवार सिंह ने कहा मेलर का एक्सीडेंट हुआ, और जो इंजर्ड हुए उसमें बंदे 6-7 घंटे से वो जीएमसी डोडा में है। और ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात यह है कि 6-7 घंटे में 100 ml का ग्लूकोज उनको चढ़ाया हुआ है, जब वो बोतल खत्म हुई है तो ब्लड उसकी पाइप में आ रहा है। और जीएमसी डोडा का स्टाफ जो कह रहा है कि यहाँ पे लाइट मौजूद नहीं है, और लाइट न होने की वजह से सिटी स्कैन नहीं हो पाएगा, अगर सिटी स्कैन नहीं हो पाएगा तो डॉक्टर्स का ये फर्ज बनता है कि अपनी हतुल वसा कोशिश करके पेशेंट का ख्याल रखा जाए, जो कि डॉक्टर का एक फर्ज बनता है। लेकिन अभी तक वारसीन के कहने के मुताबिक इनके पास कोई भी डॉक्टर नहीं आया, कोई भी प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब वारसीन ने देखा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो उन्होंने पेशेंटों को जीएमसी से निकाल करके अपने घरों की तरफ रुख किया। तो इस सिलसिले में जब वारसीन डॉक्टर्स ने कहा कि यार जीएमसी डोडा का स्टाफ जो ने कहा कि आप पीडीटी डिपार्टमेंट के लोगों से बात किए, उनने उनसे भी बात करने की कोशिश की। पीडीटी डिपार्टमेंट के लोगों ने यह बताया कि आप उधमपुर ग्रिड स्टेशन के लोगों से बात कीजिए और वहां से इमरजेंसी लाइट को बहाल करवाइए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर ये सब काम प्राइवेट लोगों को करना है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? पीडीटी में पीडीटी डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े अहदेदारान बैठे हैं वो किस चीज की पेमेंट ले रहे हैं? फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है? और अगर जीएमसी में इमरजेंसी लाइट नहीं चल रही है, जहां पर लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा हुआ देख रहे हैं हम, तो वहां पर अगर लाइट इमरजेंसी लाइट नहीं हो तो उन 8 घंटों में कितने लोगों की जान जा सकती है, कितने लोगों के घर उजड़ सकते हैं? तो ये तो एक सोचने और समझने की बात है। बड़ा हॉस्पिटल है और हर जो है कोई भी आपदा आ सकती है, उस आपदा के लिए जो है हॉस्पिटल तैयार होना चाहिए। अगर कोई अभी बड़ा एक्सीडेंट होता है, कोई बस का एक्सीडेंट होता है, ज्यादा उसमें यात्री होंगे, तो क्या कुछ अभी करेंगे? देखिए सर, इसी चीज के लिए ये कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई महिला क्लिनिक नहीं है, ये जीएमसी डोडा इसको नाम दिया गया है, सिर्फ नाम का ही जीएमसी रह चुका है। ये काम का जीएमसी तो है नहीं। जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं उन्होंने अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल रखी है और पेशेंटों को अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बुलाकर उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रीटमेंट हो रहा है सभी लोगों को पता है। उन्होंने अपनी लेबोरेटरीज खोली हुई है, अपनी दवाई की दुकानें खोली हुई है, और प्राइवेट जो हॉस्पिटल यहाँ पे चल रहे हैं वो ज्यादा फोकस वहां पर दे रहे हैं, क्योंकि वहां से उनकी इनकम जनरेट हो रही है। और पार्ट टाइम, जो पार्ट टाइम उनको वहां देना चाहिए था, वो पार्ट टाइम वो यहाँ जीएमसी में दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के आम लोगों को, आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हर कोई, चाहे वो कश्तवाड़
मेवाड़ का हो, भद्रवाह का हो, रामबन का हो, इस वक्त भी अगर जीएमसी डोडा में देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट के, हर मोहल्ले के, हर पंचायत के, हर ब्लॉक के, हर तहसील के लोग यहाँ पर मिलेंगे जो कि पूरे चुनाव रीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर लोग ये उम्मीद लेकर के आते हैं कि वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई अच्छा इलाज मिलेगा, क्योंकि वहां पर जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज की अगर हालात देखी जाए, कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता है जब यहां पर दंगा नहीं होता। इसकी वजह यही है कि जब लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलती, जो उम्मीदें लेकर के लोग यहां पर आते हैं, उन उम्मीदों पर यहां पर डॉक्टर काम नहीं करते हैं, डॉक्टरों ने अपने प्राइवेट बिजनेस खोल रखे हैं। एक बार फिर से दोहराऊंगा, इसीलिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूंगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये मौतबना गुजारिश करूंगा कि कम से कम जिस चीज के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर बैठाया है, आप उस चीज पर फोकस कीजिए, अपनी तानाशाही हुकूमत को अपने पास रखिए और काम कीजिए जिस चीज के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर बैठाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि आपको डिजिटल इंडिया दिया जाएगा, आपको फैसिलिटीज दी जाएगी। ये हकीकत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर फैसिलिटीज दे रही है, लेकिन नीचे जो औहदों पर लोग बैठे हुए हैं वो इसका मिसयूज कर रहे हैं, और मिसयूज इस तरह से कर रहे हैं कि गरीब लोगों पर वो जुल्म कर रहे हैं। और ये जुल्म तब तक चलेगा, ये जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, किश्ती कागज की कभी चलती नहीं। तुम्हारा भी वक्त आएगा जब तुम्हारे लोग हॉस्पिटल के अंदर किसी जीएमसी में, किसी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तब तुम्हें दर्द होगा कि एक गरीब का दर्द क्या होता है। जब किसी का बच्चा हॉस्पिटल में लाया जाता है, किसी का बाप हॉस्पिटल में आता है, किसी का भाई आता है, किसी की माँ बहन बेटी आती है, उनको जिस दर्द और जिस कर्ब से गुजरना पड़ता है, इसी तरह से इसी दर्द से तुमको भी गुजरना पड़ेगा। तुम सब्र करो और सब्र करने के साथ साथ तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए इस वक्त इन लोगों के पास ओहदे हैं और अपने ओहदों का, जो भी किसी भी ओहदे पर फाइज है, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल मत करिए। आप गरीब लोगों के लिए यहां बैठे हुए हैं और गरीब लोगों का साथ दें। जो बेचारे यहां पर जो उम्मीदें लेकर के आते हैं, उन उम्मीदों पर खड़ा उतरिए। यहां पर आपको कोई भी डिक्टेटरशिप जमाने की कोशिश ना करे, जिस चीज के लिए आपको यहां पर बिठाया गया आप वही काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सुना कि पूरी बातचीत क्या हुई थी, और अभी जो है SHO डोडा जो हाउस के, पुलिस हाउस के जो है यहाँ पर SHO हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है लोगों से बात की कि चलिए जो है यहाँ पर जो है MS से बात की जाएगी और MS से बातचीत करके जो है कुछ हल निकाला जाए और ट्रीटमेंट तो एटलीस्ट जो है जो पेशेंट है उनका होना चाहिए। लेकिन जो फर्दर ट्रीटमेंट होना था, जो CT स्कैन्स वगैरह होने थे, वो अभी तक भी नहीं चल पाए हैं और अभी भी जो है उनकी ट्रीटमेंट वो नहीं हो पाया। अंदर कौन से जो है कोई ज़्यादा चोट ना आई हो किसी को, ऐसी सब चीज़ों के लिए जो है CT स्कैन्स होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन वो ही नहीं होगा तो पेशेंट का पता कैसे चलेगा कि आखिरकार इसका ट्रीटमेंट जो है करना क्या है। तो कहीं ना कहीं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि लाइट बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। जहां से स्ट्रेचिंग को चलाया जाता है वहां पर भी लाइट नहीं है, खड्डे जो है रोड में भरे पड़े हैं। और GMC के अंदर एक हंगामा हुआ, हंगामे के बीच लोगों ने आवाज़ उठाई GMC के ऊपर, और ये गारंटी से जब भी GMC के जो हम न्यूज़ बनाते हैं तो हर कोई अपनी कहानी जो है कमेंट में लिखता है, हर कोई गाली जो है कमेंट के नीचे लिखता है कि GMC के अंदर हम भी जो है आए हुए थे और हालत जो है GMC की खराब है। वो चाहे डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात हो, डोडा डिस्ट्रिक्ट से हम क्या पूरे जम्मू कश्मीर की हम GMC की बात करें, सिर्फ GMC नाम की है। पेशेंट जो है कहीं ना कहीं नाराज है GMC की जितनी भी वहां पे जो है सर्विसेज दी जाती है। डोडा तो पहले से ही बदनाम है, डोडा के जो है GMC है वो इतनी ज़्यादा बदनाम है कि हर रोज़ यहाँ पर जो है कोई ना कोई न्यूज़ आती है और सभी लोग जो है सफ़र करते हैं। और यहाँ से एक सबसे चाल है, चलन है यहाँ का कि यहाँ के जो पेशेंट से उनको जो जम्मू के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये भी GMC वो भी GMC, ना जाने उस GMC में क्या है जो यहाँ पर नहीं। और अगर यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पर है, तो मैं आका लोगों को कहना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि आप वो ला के दे दीजिए ताकि लोगों को सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि ये वो पहाड़ी एरिया है जो जो है सबसे ज़्यादा ट्रॉमा के लिए माना जाता है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स रोड में की होते हैं। आज भी अगर एक्सीडेंट की रिपोर्ट है, 2 एक्सीडेंट कल हुए थे, आज भी 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चिनाब वैली के अंदर जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जो है यहां से ट्रांसफ़र किया जाता है जम्मू के लिए, तो फिर इस GMC का क्या फ़ायदा। आप भी अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें। दीजिए फिलहाल सुरेंद्र परिहार को इजाज़त, आप देखते रहे चैनल 1, कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल 1 के लिए।